देखिए सरकार तो कहेगी क्राइम घटा है, लेकिन सरकार में क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ा है और सबसे ज्यादा क्रिमिनल जो है इस सरकार में ही पैदा हुए। आप मानते हैं कि अब शपथ लेने की आवश्यकता है या दिखावा करने की जरूरत? केवल केवल दिखावा है, जो संविधान की कसम में खा करके और कुर्सी पर बैठ जाते हैं वो संविधान को सही ढंग से पालन नहीं करते। देखिए जो सरकार में बैठे हुए शपथ संविधान की ले रहे हैं, दोबारा तिबारा वो बार बार ले, लेकिन उनकी जो मानसिकता है पहले वो मानसिकता चेंज करें। जिस दिन मानसिकता चेंज हो जाएगी उसमें संविधान को सही ढंग से मानेंगे और संविधान की कसम को सही ढंग से प्रयोग करेंगे। मानसिकता उनकी गलत है, इसलिए संविधान की कसम खा करके जो है संविधान का पालन नहीं करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप आवाम को? आवाम को यही संदेश देना चाहेंगे कि आज भारत की संविधान संकट में है। पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा में भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस संविधान की रक्षा के लिए हमें ऐसी सरकार को हटाने की जरूरत है, आवश्यकता है। जो सरकार भारतीय संविधान की पालन न करे, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में उसकी धज्जियां उड़ाए, उस संविधान को बचाना हमारा आपका कर्तव्य है। यदि संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। भारतीय संविधान एक ऐसी चीज है जो हमको हर चीज से बचाने का काम करे, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे न्यायपालिका हो, हर पालिका से जो है निजात अगर हमको दे रही है तो भारतीय संविधान दे रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि संविधान हम लोगों को एक अधिकार देता है, हमारा कर्तव्य भी है कि हम संविधान का पालन करें। क्या आपको लगता है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करके एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? एक विशेष समुदाय का केवल निशाना है, यहाँ के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, आदिवासी के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। संविधान को संशोधन करने का मतलब या संविधान के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब ये हुआ जो 85% के लोग हैं जो संविधान के सहारे जी रहे हैं उनके अधिकार को छीन करके चंद लोगों के हाथों में शासन दे दिया जाए, उनकी संविधान को माना जाए। और भारतीय संविधान ने हिंदुस्तान के 85% कुर्मी कहां, ढाणी, पासी, तेली, तमोली, भर, लोहार, गोड़िया, चौहान, राजभर, मल्लाह, केवट, मुसलमानों को स्वाभिमान दिया। संविधान को संशोधन करने की बात कर रहे हैं, 85% के लोग नहीं कर रहे हैं। आज ओबीसी का आरक्षण हटाया जा रहा है, एससी के आरक्षण की बात की जा रही है, ये संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है उस अधिकार से हमें वंचित क्यों किया जा रहा है? ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था ये भारतीय संविधान की देन है। अगर आज हमारा कुर्मी कहां, ढाणी, पासी, तेली, तमोली, भर, लोहार, गुड़िया, चौहान, राजभर, मल्लाह का बेटा गाँव का प्रधान होता था तो भारतीय संविधान के जरिए से होता था। अगर जिला पंचायत सदस्य होता था तो भारतीय संविधान के जरिए से होता था। ब्लॉक प्रमुख होता था तो भारतीय संविधान के जरिए से होता। आज वही कुछ लोग चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाए, संविधान से इस कानून को निकाल दिया जाए कि ताकि ओबीसी, एससी के लोगों और मुसलमानों को वो अधिकार ना मिले। लेकिन मुसलमानों पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो भारत देश के ओबीसी पर हो रहा है, एससी पर हो रहा है, एससी एससी एट पर हो रहा है। ये हमला दलितों, पिछड़ों, शोषितों पर है, अनुसूचित जाति के लोगों पर है, ये मुसलमानों पर हमला नहीं, मुसलमानों पर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हमला जो है भारत के 85% के लोगों पर किया जा रहा है। ये राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या लगता है आपको? इससे लग रहा है कि देश मजबूत हो रहा है। महात्मा गांधी ने भी देश में पैदल चल करके इस देश को गोरे अंग्रेजों से आजाद कराया था। राहुल गांधी जो है पूरे देश में पैदल चल करके काले अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने का काम करेंगे। आज ये काले अंग्रेज हमारे मुल्क को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं, इसीलिए जो है राहुल जी जो है पद यात्रा करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उत्तर प्रदेश की धरती से होते हुए आज पूरे देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस देश को दूसरी आजादी की जरूरत है।